हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुके हैं हम तुम्हारे लिए। और आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक सॉलिड स्टेट, उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर्स, सॉलिड्स के मैग्नेटिक बिहेवियर्स पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दो बेसिक तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर्स को समझते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो एक मैग्नेटिक बिहेवियर होता है जिसे हम बोलते हैं डाया मैग्नेटिक, और एक मैग्नेटिक बिहेवियर होता है जिसे हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज क्या करते हैं? दे हैव वीक रिपल्सन, वीक रिपल्सन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिपल्सन करते हैं, एंड दीज हैव वीक अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये इन बिहेवियर्स में अंतर है। जैसे सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से चलती चलती चली जा रही है, और इन लाइंस के बीच में एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दो, तो जो लाइन इस सब्सटेंस के अंदर से होकर जानी चाहिए थी वो भी क्या होगा, थोड़ा सा अपने आप को मोड़ लेगा, रिपल्सन की वजह से मोड़ लेगा और इसके बाहर से निकल करके जाएगा। और यही इसका ठीक उल्टा, अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दे इसके बीच में, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इसके बीच में रख दे, तो जो लाइन इसके अंदर से जानी थी वो तो जाएगी जाएगी, लेकिन जो लाइन बाहर से थोड़ी जानी थी वो अपने आप को मोड़ करके थोड़ा अंदर चला आएगा, मतलब अट्रैक्शन है इसके साथ। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थोड़ा अट्रैक्शन करते हैं, पैरामैग्नेटिक जो नहीं करते हैं, रिपल्सन करते हैं, उनको डायमैग्नेटिक कहते हैं। फिर किस तरह के मटेरियल्स होते हैं, किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं? तो जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसमें पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाते ही हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया अनपेयर्ड, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो सकता है। तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पैरामैग्नेटिक होंगे, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सारे पेयर्ड ही पेयर्ड होंगे, वो डायमैग्नेटिक होंगे। अब इस पैरामैग्नेटिक में भी बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो नॉर्मल पैरामैग्नेटिक होगा, नॉर्मल पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक। दूसरा फेरोमैग्नेटिक, नॉर्मल पैरामैग्नेटिक, ये मैग्नेट इसके पास में लाओगे या मैग्नेटिक फील्ड इसके पास में लाओगे तो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन शो करेगा उसके लिए। और ये जो फेरोमैग्नेटिक वाले होते हैं, दे सो वेरी स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म, इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा क्यों? इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहां पर एक जनरल पैरामैग्नेटिज्म है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है अट्रैक्शन करेगा। जैसे हमारे घर के आसपास कोई बाबा वगैरह आ जाए तो कुछ लोग जो है बाबा की जय करने लगते हैं, थोड़ा बाबा से प्रभावित हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं चलो बाबा के साथ अब हम भी चलेंगे, अब यहाँ सब बेकार है। तो पैरामैग्नेटिक मतलब ठीक है, बाबा आए तो बाबा को जय कर लिया, इट्स ओके, बाबा गए तो बाबा को जाने दो। और फेरोमैग्नेटिक वाले क्या है, बाबा आए तो बाबा की जय तो हो ही रही है, लेकिन जब बाबा जाएंगे तो बाबा के पीछे पीछे अपने भी चल देंगे, खेल खत्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म कुछ वैसा सिचुएशन है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, और इवन जब बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड हम लोग हटा दे, जब हम लोग बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो उसके बाद भी ये अभी भी बाबा का असर इनके ऊपर देखने को मिलेगा, मतलब बाबा चले भी गए तो ये खुद बाबा बन करके बैठ गए, तो बाहर वाला मैग्नेट हटा भी दिया तो ये खुद मैग्नेट बन जाएगा। ऐसा नहीं कि बाहर वाला मैग्नेट गया तो इसका खेल खत्म, बाहर वाला मैग्नेट जब तक था तब तक तो था ही, लेकिन बाहर वाला मैग्नेट हटा दिया तो उसके बाद भी अभी भी ये मैग्नेट बना बैठा है। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म मतलब नॉर्मल,
मैग्नेटिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक फील्ड की जय हो, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ थोड़ा हो लिया, मैग्नेटिक फील्ड गया तो उसको भूल भी गया। लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आया तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की बहुत जोरदार जय हो, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड गया भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जय भी चल रही, बाबा गए लेकिन अभी ये नया बाबा आ गया। तो ये जो है अगर हम चाहें तो इसके पास में स्ट्रांग मैग्नेट ला करके रख दे तो ये खुद मैग्नेट बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है आते हैं उसको, लेकिन पहले एक और फेरी सॉरी एंटी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म इसमें क्या होता है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट दे डू नॉट हैव एनी अट्रैक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन होना चाहिए था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं, इसलिए नाम रख दिया एंटी, एंटी माने अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो फिर ये सब ऐसा हो क्यों रहा है, इसको मेरे को समझना है। तो जैसे मान लो अपने पास एक कोई बड़ा सा लोहे का टुकड़ा या कोई भी सब्सटेंस है, उसमें ढेर सारे एटम्स होंगे, छोटे 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 ढेर सारे एटम्स होंगे। सभी एटम्स के अंदर चलो मान लिया कि कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक मटेरियल है जिसके अंदर ऐसे ऐसे ढेर सारे एटम्स है और सभी एटम्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और सभी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सभी जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए अट्रैक्शन दिखा सकते हैं। और सबसे पहली बात, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अपने आप में पहले एक मैग्नेट का काम कर रहा है, तो प्रत्येक एटम में एक छोटा सा मैग्नेट है, बहुत ही छोटा सा मैग्नेट की तरह से काम कर रहा है। जैसे हम लोग ऐसे समझे कि धरती है, धरती पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं, अरबों खरबों की संख्या में लोग हैं, सब लोग एक ही जैसे हैं, सब लोगों को एक ही तरह रहना चाहिए, सब लोगों का नेचर भी एक ही जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं धरती पर क्या है, कुछ लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान बना रखा है, कुछ लोगों ने मिलकर चीन बना रखा है, कुछ ने पाकिस्तान बना रखा है, कुछ ने अमेरिका बना रखा है, कुछ ने इंग्लैंड बना रखा है, तो लोगों ने अपना अपना एक ग्रुप बना लिया है। तो वैसे ही ये एटम्स भी मिलकर के आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, जो एक जैसी विचारधारा वाले लोग हैं मिलकर के अपना एक मोहल्ला या बोलो तो एक शहर या एक कंट्री जैसा बना रखा है। तो अलग अलग कंट्रीज उन्होंने धरती पर बना रखी कि ये हो गया हिंदुस्तान, वो हो गया चीन, वो हो गया अमेरिका, वो हो गया ब्रिटेन, और सब जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के, अब कुछ कंट्रीज ऐसे होंगे जो एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट भी काम करते हैं। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर है, ढेर सारे एटम्स है, ये एटम्स पहले तो ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये एक ग्रुप हो गया, कह दो ये हो गया ये अपना इंग्लैंड, ये एक दूसरा ग्रुप हो गया छोटा सा बगल में, चलो इसको न्यूजीलैंड कह देते हैं, और ये इधर एक और ग्रुप हो गया ठीक है स्कॉटलैंड, और इधर एक चलो ये वेस्ट इंडीज, और इधर जो है ऑस्ट्रेलिया, मतलब इस तरह से जो है कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए। अब एक ग्रुप के अंदर सब एक जैसे होंगे, इन सब का मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, इन सब का मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, इन सब का मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में होगा, लेकिन इन सब से अलग है तभी तो एक अलग कंट्री बोल रहे हैं ना, इन सब का मैग्नेटिक फील्ड किसी अलग डायरेक्शन में, इन सब का मैग्नेटिक फील्ड चलो कुछ ऐसे बना लेते हैं ठीक, कुछ इस तरह के डायरेक्शन, मतलब छोटे छोटे कई सारे कंट्रीज टाइप के सिचुएशन बन गए, इनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड, इनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड, इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड, इनका इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड। अब बाहर से क्या एक बड़ा ठीक, एक बड़ा बाहर से बड़ा सा एक सुपर मैग्नेट लाओ, एक बाहर से एक बड़ा सुपर मैग्नेट लाओ, जब ये पास में आएगा तो क्या होगा, या तो सब इसके साथ हो जाए, या तो सब इसके अपोजिट हो जाए, या तो कुछ इसके साथ हो जाए कुछ इसके अपोजिट हो जाए, यही सारे सिचुएशन हो सकता है ना। जो बाहर वाला सुपर मैग्नेट है वो सबको जो है अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेगा कि या तो सब मेरे साथ हो जाओ या तो सब मेरे अपोजिट हो जाओ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ साथ में होंगे और कुछ अपोजिट में होंगे। तो जो फेरोमैग्नेटिक होता है, जो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर होता है, उसमें ये जो छोटे छोटे डोमेन्स है, ये अपना जो है इंग्लैंड हो गया, ये स्कॉटलैंड हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, सब के सब जो है बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आया, इस बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के आते ही सब के सब इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिए, सभी इसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिए। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, और ये जो छोटे छोटे हमने स्कॉटलैंड इंग्लैंड न्यूजीलैंड गिनाए इनको बोलते हैं डोमेन्स।
कि किसी भी मटेरियल के अंदर छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं, प्रत्येक डोमेन में ढेर सारे एटम्स होते हैं, प्रत्येक डोमेन का वैसे तो अपना एक रैंडम मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले वाले डोमेन का किधर है, दूसरे वाला किधर है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये सब उसके साथ होली, सब एक ही डायरेक्शन में मिलकर के स्ट्रांग वर्क करने लगे, और इसीलिए ऐसा सब्सटेंस जो होता है बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, और जब ये चला भी जाएगा तब भी इसका असर इनके ऊपर बना रहेगा और ये सब मिलकर के ऐसे ही एक साथ जो है काम करते रहेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक, एग्जांपल मेरे पास है CrO2, कैसे मत पूछना, ये हमको भी नहीं पता, और CrO2 इसका एग्जांपल है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके पाया है कि इसमें ऐसा होता है। एंटीफेरो में क्या होता है, इसमें भी वही छोटे छोटे डोमेन्स है, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी बना लो, जर्मनी, और जैसे ही बाहर वाला बड़ा वाला मेगा मैग्नेटिक फील्ड आया वैसे क्या हुआ, इसमें से आधे जो है उसके साथ हो लिए और आधे जो है उसके अपोजिट हो लिए, ध्यान देना, आधे इसके साथ और आधे इसके अपोजिट, तो कुल मिलाकर के नेट रिजल्ट क्या हुआ, जो आधे साथ वाले हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में, अपोजिट वालों का मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में, तो इन सब का नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है जीरो, और जीरो हो जाता है तो बोलते हैं ऐसे मटेरियल एंटीफेरो है। ठीक, और इनका एग्जांपल अपने पास है MnO, मैग्नीज ऑक्साइड, और एक तीसरा और भी है फेरी, फेरी मैग्नेटिक, जब बाहर वाला मैग्नेट इसके पास में आएगा तो इसके अंदर भी क्या है, अपना मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, मतलब इसके अंदर अपने छोटे छोटे डोमेन्स हैं ही, उसमें से कुछ डोमेन्स जो है फिर से कह दो इसके साथ हो लिए, ठीक है, ऊपर की तरफ जो है इसके साथ, तो नीचे की तरफ है इसके अपोजिट, कुछ इसके साथ हो लिए और कुछ इसके अपोजिट हो लिए, लेकिन साथ वालों की संख्या ज्यादा है, 1, 2, 3, 4 साथ में और 2 अपोजिट में, तो कुल मिलाकर के कुछ न कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर बच जाएगा, लेकिन जितना होना चाहिए तो उतना नहीं होगा, उनकी उससे कम दिखाई पड़ेगा, मतलब फेरोमैग्नेटिक से कम स्ट्रांग है ये, और इसका परमानेंट मैग्नेट भी नहीं बनाया जा सकता। एग्जांपल है Fe3O4। तो इस तरह से ये 5 तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर, डायामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाबा है तो बाबा की जय, और फेरोमैग्नेटिक, बाबा है तो बाबा की जोर की जय, और बाबा गया तो खुद बाबा बन गया। ठीक, फेरी मैग्नेटिक, कुछ कुछ फेरोमैग्नेटिक के जैसा लेकिन उससे कमजोर, और एंटी फेरो मैग्नेटिक जिसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं, क्यों, क्योंकि जितने डोमेन बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ में है उतने ही डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में है, फेरोमैग्नेटिक में क्या है, सभी साथ में है, और फेरी में क्या है, कुछ साथ में है कुछ अपोजिट में है, लेकिन दोनों का नंबर अनइक्वल है, और पैरामैग्नेटिक के बारे में तो कुछ पूछो ही मत। ठीक, इसमें भी कुछ कुछ आई थिंक इसी के जैसा हल्का फुल्का सिचुएशन होना चाहिए, और डायामैग्नेटिक में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो 5 तरह के ये मैग्नेटिक बिहेवियर सॉलिड्स के अंदर देखे जाते हैं, सबके बारे में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी बात की। इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।